हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ वेस्ट कतर वगैरह पड़ी हुई थी तो मैं आज इसका यूज करूँगी। तो जितने भी ये मेरे पीस हैं मैं इन सबको पट्टियों के तौर पे काट लूँगी। तो मैं ऐसे लंबी लंबी स्टेप पट्टी काट लूँगी। ये 1.5 इंच है फ्रेंड, तो हम 1.5 इंच की पट्टियाँ काट लेंगे। तो मैं इन सबको पहले पट्टियाँ काट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स पहले हमें एक ऐसा वो चाहिएगा बोर्ड, ताकि हम एक टुकड़े पे इसका डिज़ाइन बना सके। तो इसे करने के लिए ये हमने एक अखबार ले लिया, इसको ऐसे पलटेंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे और ये इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ से इसको जितना भी बड़ा हमें चाहिए फ्रेंड्स हम उतना लेंगे। तो यहाँ से मैं नाप लेती हूँ, इसको 2 इंच नाप लेती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ से मैंने मार्क कर लिया और 2 इंच मैं इधर से नाप लेती हूँ। तो यहाँ से भी हमने मार्क कर लिया। अब हम इन दोनों को जो देखिए, ये हो गया 2। अगर हमें 2.5 पे चाहिए तो हम पहले 2.5 पे करेंगे फ्रेंड्स। जितना जैसा भी हमें चाहिए, 2.5 पे चाहिए, 2 पे चाहिए, तो हम इस तरीके से कर लेंगे। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा। तो देखिए बन गया ना फ्रेंड्स, ऐसे ही। तो ऐसे ही हमें ऐसे बनाना है। तो आप अखबार का यूज कर लीजिए। ये मैंने एक बोर्ड ऐसे काट के रखा हुआ है, तो मैंने इस पर मार्क कर लिया है। तो मुझे इससे थोड़ा बड़ा चाहिए तो मैं इससे थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काट दूँगी। तो जैसे ये हो गया फ्रेंड्स हमारा, तो मैं इसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काट दूँगी। मुझे थोड़ा बड़ा साइज चाहिए 13, तो मैं थोड़ा मार्जिन आधा आधा इंच का करके बढ़ा दूँगी। ये देखिए मुझे बड़ा चाहिए था, तो मैंने पहले निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद ही मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बढ़ाकर काट रही हूँ, जिससे कि मेरा बिल्कुल ठीक आ सके। तो ये मेरा हो गया। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम एक टुकड़ा लेंगे। जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ हमने इसको रख दिया, यहाँ हम सिल के इसको ऐसे पलट देंगे। फिर हम एक और टुकड़ा लेंगे, फिर हम उसको इस पर यहाँ सिलेंगे और पलट देंगे। फिर हम अपना एक और टुकड़ा लेंगे, जिसको हम यहाँ पर रखकर यहाँ रखेंगे और ऐसे सिलेंगे और पलट देंगे। तो ऐसा हम एक एक करके टुकड़ा सिल लेते हैं। तो मैं आपको एक एक टुकड़ा सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड, फिर हम बारी बारी ऐसे ही चलते रहेंगे। तो मैं एक सिल लेती हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक पीस सिल गया है और मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक टुकड़ा ओढ़ लेंगे, जरा एक टुकड़ा ओढ़ लेंगे। और क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको सिलेंगे। सिलने के बाद पूरा यहाँ से सिलेंगे फ्रेंड्स, ऊपर से। और सिलने के बाद इसको पलट देंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सिल गया है और ये मैंने अब ओपन कर लिया है। तो उसको अच्छे से प्रेस कर देती हूँ। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से प्रेस कर दिया। अब क्या करेंगे, हम फिर एक और टुकड़ा लेंगे, यहाँ से उसको सिलेंगे। तो मैं इसको भी सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये भी सिल गया है। अब हम इसको भी ओपन कर लेते हैं और अच्छी तरीके से नाखून से ऐसे प्रेस कर देंगे, जिससे कि हमारा ठीक से बैठ जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऐसा हो गया। लेकिन हमारा क्या है फ्रेंड, जब भी हम उसको सिलेंगे तो जो है हमारा एक्स्ट्रा, उसको हम कट करते चलेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब हमने पहले ये सिला था तो हमारा ये पीस एक्स्ट्रा इधर से थोड़ा पीस को बढ़कर ही ले। तो ये हो गया फ्रेंड्स, पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये पीस रखेंगे और इसको भी यहाँ से सिल देंगे। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सिल गया है और ये मेरा, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ये मेरा ओपन हो गया। तो पहले क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा आया हुआ है हमारा पीस, इसको हम कट कर लेंगे और उसके बाद इस पीस को भी कट कर लेंगे। अब इसके बाद ये हो गया हमारा ओपन। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम एक और पीस लेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से हम एक और ऐसा ये पीस ले लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ रखेंगे, यहाँ सिलेंगे और पलट देंगे। तो मैं ये भी आपको सिल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये भी सिल गया है। अब हम क्या करेंगे, हम एक पीस और लेंगे। तो मैं एक पीस और ले लेती हूँ, ये हो गया फ्रेंड्स। अब इसको ऐसे सिलेंगे, यहाँ रख के इसको ऐसे सिल देंगे। तो मैं आपको इसको भी सिल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिल लिया है और जो मेरे ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इसको हम ऐसे ही काटते चलेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब ये यहाँ से ओपन हो गया।
तो देखिए जो भी हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कट करते चलेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से, तो ये हमारा इस तरीके से होता चलेगा। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कट भी हो रहा है और हमारा सिलता भी जा रहा है। तो जैसा हमें चाहिए ये देखिए है ना कलरफुल। अब इसको हम ऐसे ही सिलते चलेंगे। तो अब हम एक और पट्टी ले लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसको यहाँ सिलेंगे और पलट देंगे, तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा सिल गया है। अब इसको हम ओपन कर रहे हैं और इसको अच्छे से प्रेस कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एक और पीस। ऐसे ही हम एक और सिलेंगे। आप कुछ भी सिल के चलिए फ्रेंड। ये देखिए अभी ये लेके चलेंगे, ऐसे सिलेंगे और पलट देंगे। ये हमारी दो पट्टी है फ्रेंड्स। तो हम इसको पहले ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इसको ऐसे रखेंगे और सिलेंगे। तो हम पूरी ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही हमें तीसरी करनी है, फिर चौथी करनी है, फिर पाँचवीं करनी है। ऐसे करके हमें जितना बड़ा ये पीस चाहिए डिज़ाइन के लिए हम उतना बड़ा पीस इसको बना लेंगे। तो मेरे जितने भी एक्स्ट्रा पीस हैं कट हुए हुए मैं इन सबको इसमें जॉइंट कर लेती हूँ, फिर आपको कंप्लीट मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी तीसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हम चौथी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरा ये पीस मैंने बना लिया है। अब क्या करेंगे, आप इसको इस तरीके से यूज करना चाहें तो इस तरीके से यूज की। देखिए फ्रेंड्स मेरा ये यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, मुझे इतना ही बड़ा चाहिए था फ्रेंड्स, आपको चाहे जितना बड़ा बना लीजिए। आप पट्टी इसमें जोड़ते जाइए और ये बड़ा होता चलेगा फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, मुझे ये मैंने सेट कर लिया है। अब मुझे ये चकोर में चाहिए, तो मैं इसको ये जो पीस लगे हुए हैं हम इस साइड से, सिर्फ इस साइड से इसको बढ़ाएंगे। तो हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ये पट्टियाँ ले ली हैं, तो पहले हम एक पट्टी सिलेंगे ये ऐसे, इसको यहाँ कट कर देंगे। फिर उसके बाद फिर एक पट्टी और सिलेंगे। बाद में हम इसको धीरे धीरे इसको घटाते चलेंगे। तो हम ऐसे ही पट्टी पर पट्टी जोड़ते चलेंगे फ्रेंड्स। से ये जोड़ लिया, फिर बाद में मैं इसको यहाँ से इस तरीके से इसको यहाँ कट कर दूँगी। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स मेरे को यहाँ सिर्फ चार पट्टी लगानी पड़ी और ये हो गया। अब यहाँ से हमने सिल की मदद से लाइन लगाई है। ये देखिए अब मैं यहाँ से इसको कट करके दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए ये मेरा कट हो गया और अब ये चकोर शेप में आ गया इधर से। तो ये देखिए ये इधर से चकोर शेप में आ गया। अब बाकी के हम इधर भी सिल लेंगे, इधर भी और इधर भी। तो हम तीनों तरफ सिल लेते हैं फ्रेंड, फिर आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ से ये चारों कोने जोड़ लिए हैं, जॉइंट कर लिए हैं और मैंने फिनिशिंग से बाद में इनको इसकी लाइनिंग के हिसाब से सीधा कट कर लिया है। तो इधर से ऐसे कट किया फ्रेंड्स, यहाँ से इसको ऐसे देखकर इधर से ये कट कर लिया और ऐसे ही हमने इधर से कट किया है। फिर उसके बाद हमने इस लाइनिंग से इसको कट किया है। तो देखिए हमारा जो सुंदर सा डिज़ाइन है जो वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो इसे और बड़ा बना सकते हैं, इसमें और चारों तरफ ऐसे पट्टी जोड़ सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।